यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्यातील 13 वर्षीय बालिकेवर 5 जणांनी बलात्कार करण्याची संतापजनक घटना घडली आहे. त्यात पोलिसांनी 2 आरोपींना अटक केली, अन्य आरोपी फरार आहेत. या दोषींवर कडक कारवाई करण्याच्या मागणीकरता श्री ओसवाल संघ, अमरावती सकल जैन समाज, श्री माहेश्वरी पंचायत यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी इंगळे यांच्या मार्फत पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आलं. निवेदन देतेवेळी ओसवाल संघाचे अध्यक्ष चंदू सोजतिया, ताराचंद बोकडिया, सुभाष चंद्रजी भंडारी, नरेश कंठालिया, सुरेश समदरिया, पदम देवडा, संजय मुणोत, संजय आचलिया, पृथ्वीराज मुणोत, सुरेश चोपडा, अंकित जैन, देवेश चोपडा, विनोद जांगडा, अनिल मुणोत, सुरेश साबू यांच्यासह मोठ्या संख्येनं समाज बांधव उपस्थित होते. सभी बच्ची का जो कांड हुआ ये बिल्कुल गलत है. ये ऐसा कांड होने नहीं होना. बच्ची हमारी है और ऐसा कांड हुए तो एक हमारी नाकामी, सरकार की नाकामी ये होती है. तो हम जो नियोजन दिया है उसको जल्द से जल्द आगे पहुँचाए, ऐसे हमारी सरकार से प्रार्थना. अली में यवतमाल में एक बड़ी शर्मनाक घटना घटी जिसमें एक 13 वर्षीय बच्ची पर लगातार 6 महीने तक बलात्कार होता रहा. उसको धमकी देकर, उसको डराकर उसके साथ में 5 नराधम लोगों ने लगातार उसके साथ में अत्याचार किया, उस पर अनाचार किया उसका. और ये बहुत दुर्दैवी घटना है कि सरकार के कड़क नियम के बावजूद ऐसे अपराध रुक नहीं रहे. कहाँ सरकार की कमजोरी आ रही, कहाँ पुलिस प्रशासन कमजोर पड़ रहा है पता नहीं. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. बच्ची किसी की भी हो, किसी भी समाज की हो, किसी की भी हो, बच्ची बच्ची होती है. 13 साल की बच्ची बहुत बड़ी नहीं होती है. उसके साथ में लगातार 6 महीने तक दुराचार करना और आरोपी आज भी खुले घूम रहे. हमारा सरकार से और पुलिस प्रशासन निवेदन है ऐसे आरोपी को पकड़कर शीघ्र से कड़ी सजा दी जाए और जल्दी दी जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा होने में आरोपी को फिर छूट मिल जाती है और पुलिस प्रशासन काम धीरे जल्दी से जल्दी. कई जगह 20-20 दिन में भी ऐसे केसों के रिजल्ट मिले हैं. आज काफ़ी दिन हो गए लेकिन आज भी आरोपी फरारी में. हमारा सिर्फ निवेदन इतना ही है कि हमारे उग्र आंदोलन के पहले आप उनको सजा के लायक बना देवे. धन्यवाद. विनोद जांगड़ा. कुछ दिन पूरा समाज में, पूरे समाज को शमशान करने वाली जो घटना घटी है उसी के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं. एक 13 वर्षीय लड़की को चॉकलेट में गूंगी की दवा देकर उसके साथ में 5 नराधमों में जो जिस तरीके से हैवानियत की है, जिस तरीके का दुष्कर्म किया है, उस दुष्कर्म के लिए हम प्रोटेस्ट करने जिलाधिकारी के पास में आए हैं. हम सब एक हैं, सकल समाज, जैन समाज पूरा एक है और जैन समाज चाहते हैं कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो. 2 लोगों को अभी अरेस्ट किया गया और अभी मैंने फ़ोन लगा के पूछा कि एक व्यक्ति जो बुल्ढाना से अरेस्ट करने जा रहे हैं वो भी तीसरा अरेस्ट होगा, 2 बाकी है. हम चाहते हैं कि ऐसी हैवानियत आगे ना हो, इसलिए कुछ तो प्रशासन कुछ करे इसके लिए. सुरेश जैन, अध्यक्ष महानगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स. अभी हाल ही में जो हम निवेदन देने आ रहे हैं, 13 साल की लड़की के ऊपर जो रेप की घटना हुई है, कुल मिला के 5 आरोपी है. 2 आरोपी को सरकार ने अरेस्ट किया है पुलिस प्रशासन ने, लेकिन 3 आरोपी अभी बेखौफ घूम रहे हैं. जैन समाज का ये जो कार्य है पूरा है ना, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले हम लोग हैं और सबके सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी में रहने के बाद में सबसे ज़्यादा टैक्स का जो परसेंटेज है, कर का जो संग्रह ना, सबसे ज़्यादा बड़ा करदाता जैन समाज है. लेकिन उसके बाद में सरकार को इतने बड़े कर के रूप में राशि देने के बाद सरकार हमें जितना प्रोटेक्शन होना उतना प्रोटेक्शन हमें दे नहीं रही है. और असामाजिक तत्व का खौफ जो है वो प्रशासन का खौफ बिल्कुल नहीं रहा. हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि तुरंत आरोपी को पकड़ा जाए और फास्ट ट्रैक के माध्यम से उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा उन्हें जल्द से जल्द करे. अन्यथा हमें और जो अभी आंदोलन शांतता प्रिय चालू है, आगे हम आंदोलन को और उग्र रूप से ये करेंगे. इसके लिए शासन से विनंती है. उन्हें साहब, उपाध्यक्ष माहेश्वरी पंचायत अमरावती. हाल ही में जो घटना ध्यान में है कि आर्नी में एक 13 साल की बच्ची के ऊपर जो कार्य किया गया है रेप का, निश्चित रूप से शर्मसार घटना है. और समाज में ऐसी घटना क्यों घट रही है इसके पीछे गवर्नमेंट की नाकामी है. हमारी गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि कोई भी समाज के और कोई बच्ची रहे, कोई भी व्यक्ति रहे, उसे कड़ी सजा से जल्द या फास्ट ट्रैक में कोर्ट लगाकर उससे क्या गया खुलेआम फांसी दी जाए. ऐसे नराधमों को रहने का कोई हक ही नहीं है.
निवेदन है कि जो भी उस पर 5 लोगों ने जो कार्य किया है उन सबको पकड़कर सरेआम फांसी दी जाए, ये हम निवेदन करते हैं। और आप जल्द से जल्द ऐसे एक्शन लेंगे, ये हम निवेदन देने यहाँ पर। मंडलीय सचिव वर्धमान स्थानवासी श्रावक संघ, आर्नी के अंदर जो 13 वर्षीय बच्ची के ऊपर जो घृणास्पद कार्य हुआ है इसकी घोर निंदा करते हुए उस बच्ची को जल्द से जल्द न्याय मिले इसके लिए शासन प्रयत्न करें और अपराधियों को पकड़कर उनसे कड़ी से कड़ी शिक्षा देकर इस टाइप के जो कार्य होते हैं उसमें प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर हो। और इसे हम निवेदन देने के लिए जिलाधिकारी के पास यहाँ पहुँचे हैं। हमारा निवेदन है कि अपराधी को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी शिक्षा हो। अंकित जैन, अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा जैन सेल, आर्णी तालुक्यातील जी घटना आहे ती अत्यंत मनाला दुखवणारी आणि दुर्दैवी घटना आर्णी तालुक्यात घडली आहे। तरी आम्ही माननीय कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिले आहे, निवेदनाद्वारे आम्ही त्यांना सांगितलं आहे की आरोपींना लवकरात लवकर कायदेशीर त्यांच्यावर कारवाई करावी व त्यांना फाशी। या कृत्याचा निषेध भीम आर्मीच्या पदाधिकाऱ्यांनी तसंच आदिवासी समाज बांधवांनीही केला, त्यांनीही निषेध करून निवेदन दिलं। यवतमाळ या ठिकाणी एक 13 वर्षीय मुलीला 13 वर्षीय मुलीला या लोकांनी, ज्याला म्हणतो की समाजाचे त्याला एक ज्याला म्हणतो राक्षस, अशा लोकांनी 13 वर्षीय मुलीला पळून नेलं आणि 5 दिवस 6 दिवस 7 दिवस त्या मुलीवर अत्यंत घाणेरडी कृती केली आणि संपूर्ण परिसर या संपूर्ण महाराष्ट्रात या संपूर्ण भारतामध्ये या गोष्टीचा आम्ही निंदा करतो। आणि अशा लोकाला महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट, केंद्र सरकारने, महाराष्ट्र सरकारने ताबडतोब फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, या लोकाला ताबडतोब अटक करण्यात यावे, जेणेकरून या संपूर्ण भारतातील महिला मुली सुरक्षित राहतील। आणि भीम आर्मी संघटनेच्या वतीने आम्ही असं ऐलान करतो की ते लोक अगर आमच्या हातामध्ये आले तर भीम आर्मी त्याचा वाला आम्ही असा वाईट परिणाम करेल की त्यांचा परिणाम संपूर्ण भारत पाहिजे, असं आम्ही भीम आर्मी संघटनेच्या वतीने आवाहन करतो। प्रेस हॉलला जात आहे। मी मनीष कुंडलेकर साठे, महाराष्ट्र प्रदेश सचिव भीम आर्मी, भारत एकता मिशन। विषय आर्णी यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये जे 13 वर्षीय बालिका आहे, ज्या 5 नराधमांनी जे दुष्कर्म 5 महिन्यापासून जे केलं आहे, त्या नराधमांना फाशीची शिक्षा देऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी, जेणेकरून यानंतर अशी घटना घडू नये। जसे दिल्ली येथील निर्भया हत्याकांड झालेलं होतं, त्याच्याहीपेक्षा निर्दयीपणे हे कांड झालेलं आहे। आम्ही या घटनेचा आम्ही निषेध करतो। आर्णी येथील घटना आहे, तिथे 13 वर्षीय जी बालिका आहे ती शाळेमध्ये शिकत असताना जे दुष्कर्म करणारे 5 नराधाम आहेत, त्या नराधामावर एक म्हणजे कडक कारवाई झाली पाहिजे, त्यांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे। आणि अशी फाशीची शिक्षेचं जे दिल्लीचं जे प्रकरण झालं मागच्या वेळेला, त्या प्रकरणामध्ये निर्भया हत्याकांड तसं झालं होतं, त्याच प्रकारे इथे ही जी घटना झालेली आहे, या घटती आणि ही घटना साम्य असल्यामुळे या 5ही नराधमाला फाशीची शिक्षा होणं अनिवार्य आहे। आणि ठिकठिकाणाहून अशा अनेक संघटना या बालिकेला न्याय देण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार आहे, याची दखल शासनाने घ्यावी, एवढंच आमचं म्हणणं।